जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी एस अकेडमी एंड आई रियली विश योर पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उसको समझने में जो है वो दुश्वारी आती है, उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं सोचा मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो मुश्किल ना रहे। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ बातों का दिमाग में जो है वो बातों का पता होना चाहिए। अगर वो बातें आपको पता नहीं होंगी तो आप ये टॉपिक समझने में थोड़ी दुश्वारी फील करेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी फील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे आपसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन में ये होता है कि अगर कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, उसमें से अगर ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो जाए, ऑक्सीजन के एंटर होना, ऑक्सीजन एंटर्स इन अ कंपाउंड, ठीक है, ऑक्सीजन एंटर इन अ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन लीव्स द कंपाउंड, ठीक है जी। अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कंपाउंड को छोड़ दें और ऑक्सीजन कंपाउंड में एंटर कर जाए, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में उल्टा होगा। अगर हमारे पास लेट्स से दैट कोई कंपाउंड है और उसमें जो है ऑक्सीजन जा रहा है, हमारे ऑक्सीजन लीव्स और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है एंटर, अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एंटर करें और ऑक्सीजन जो है वो वहां से चला जाए, तो इसको आप नाम दोगे रिडक्शन का। यानी आप क्या कर रहे हो, आप ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जा रहे हो, सांस लेते हो ना, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में चला जाता है, तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और लेट से दैट के आप जो है कोई मेटल है, जब आप बिजली कंडक्ट करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं एक जगह दूसरी जगह, तो इसको हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आउट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन है, ये प्लस टू चार्ज हो गया, दो इलेक्ट्रॉन चले गए। और रिडक्शन में जिसमें ऑक्सीजन है, अच्छा ऑक्सीजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ऑक्सीजन की वजह से खुद भी रिडक्शन हो सकती है, ठीक है। सो यू कैन राइट ऑक्सीजन नेगेटिव टू, इलेक्ट्रॉन का एंटर होना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एड होना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जाना जो है दैट इज समथिंग लाइक रिडक्शन, और ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड में आ जाना दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तरह थ्योरी को क्लियर करें, फिर इंशाल्लाह आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के टॉपिक्स भी समझ में आ जाएंगे जी। तो स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ना मैं, इफ आई एम एजेंट ऑफ सर्फ प्रोवाइडिंग कंपनी, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरों को सर्फ प्रोवाइड करूंगा। अब मैं एजेंट हूं, राइट, एजेंट का काम है किसी को कुछ देना, तो जो दूसरों को ऑक्सीडेशन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन कैसे दी जा सकती है, जैसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं उसमें KMnO4 जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, और पोटाशियम डायक्रोमेट, ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डायक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट और दैट इज पोटाशियम डायक्रोमेट, और इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो नॉन मेटल्स हैं दे टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर बॉडीज। तो देखो, मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं तो दूसरा तो जो कंपाउंड है, जो स्पीशी है, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, उसकी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, राइट। वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन मैं वो इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो मैं वो एक स्पीशी हूं, कंपाउंड या एलिमेंट हूं जो क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो लिहाजा आप कह लो कि नॉन मेटल्स जो है वो सब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो वो जैसे नॉन मेटल में आप सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट, अब ये समझ में आ गई तो फिर ये कौन सा मुश्किल बात रहेगी समझने वाली।
तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एक ऐसे कंपाउंड या स्पीशीज जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट मेटल्स। देखो मेटल्स क्या करते हैं, अगर लेट्स से दैट अभी हमने थोड़ी देर पहले आयरन की बात की थी, आयरन जो है वो अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, दैट्स अ क्वेश्चन। तो आयरन जैसे लेट्स से दैट अब मैं आयरन हूं, अगर मैं आयरन हूं तो मैं क्या हूं, ऑक्सीडाइजिंग सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आयरन हूं, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं। अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हूं, क्योंकि मैं आयरन हूं, मैं दूसरों को इलेक्ट्रॉन दूंगा, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो खुद तो रिड्यूस हो जाएंगे। तो जब वो खुद रिड्यूस हो जाएंगे तो उसका क्या मतलब है कि वो उनकी रिडक्शन हो गई है और मैंने किया है उनको रिड्यूस, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, थोड़ी सी एग्जांपल याद कर लें। फिलहाल जो बताइए ये कर लें कि मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये मशहूर तो कंपाउंड बता दी है जो लैब में भी होते हैं अमूमन, तो पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट, इनको आप याद रखें, टीचर्स को बताएं, एग्जाम के पेपर में लिखें। बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये अमूमन कॉन्सेप्ट से बच्चे जो है मार खाते हैं, गलत लिख देते हैं, नंबर नहीं मिलते हैं। तो लिहाजा अगर आप गलत लिखेंगे तो डेफिनेटली नंबर नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो आज की थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ होगा कि डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है कि कंपाउंड एलिमेंट जो रिड्यूस करते हैं खुद को और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करें दूसरों को रिड्यूस करें वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दिए से दिया जलाने वाला काम जो है वो जरूर होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया अपने फ्रेंड को बताएं ताकि वो भी एग्जाम में आपकी तरह पूरे नंबर ले लें इस क्वेश्चन को लेकर। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।